गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं यश और आज ये और आज हम लोग मेरठ बरेली से मेरठ आ गए हैं। मम्मी को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अभी मैं आप लोगों को मम्मी और गाइस सबसे पहले आप ये देखिए इधर इसे देखिए। यस, हु इज दिस? पहले तो ये पता नहीं है, ये सदी है कि रदी? मम्मी ये रदी है। मैं पहना क्या पहना? डायपर। ये क्या कर रहा है? डायपर डायपर नहीं होता, वो डायपर होता है। ठीक है, नहीं डायपर होता है, डायपर डायपर नहीं डायपर होता है वो। इतने सारे डायपर का क्या कर रहे हो आप? कर रहे हो नहीं, सेल लगा रखी है। बोल दस ने सारे डायपर लेके कहाँ जा रही हो? ये लो इतने रुपए, लो मेरे को एक डायपर दो। ये लो एक डायपर दो, इतने सारे डायपर। डायपर वैसे बहुत सही फेर है, एकदम फिट आ गया। वाओ गाइस, ये आप ये गेस कर सकते हैं क्या चीज है? चलिए मैं बता देता हूँ, ये है एग। ये है बॉइल्ड एग, एकदम स्पंची स्पंची चाहे बेबी चिकन जैसे लग रहा है। ओके सो गाइस, अब मैं आपको नहाने के बाद मिलता हूँ। ओके, और ये जो पीछे आप वॉल पिक्चर देख रहे हो वो अभी मैं आपको नहाने के बाद एक्सप्लेन करवाता हूँ। सो अभी मैं आपको नहाने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ। सो और अगर कैसे लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा हूँ। और गाइस सबसे पहले तो आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ठंड हो रखी है। अभी मैं जब नहा के आया था तो लिटरली मैं अभी अभी कांप रहा हूँ, हाथ मेरे पूरे जम रहे हैं। ओके सर, मैं अभी आपको ये एल्बम में एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो, मैं हीरो लग रहा हूँ कि नहीं? वैसे मेरे को तो नहीं लग रहा है, चश्मे की वजह से मैं प्रॉपर तो नहीं लग रहा। और ये सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से करवाता हूँ एक्सप्लेन। ये मेरी UKG की है। इस टाइम यहाँ पे मौसी ने मेरे को बनाया था, ये मौसी ने मेरे को यहाँ पे कृष्णा बनाया था और यहाँ पे भी नानी ने किया यहाँ पे बनाया था। और इस टाइम मेरे को स्कूल में कोई एक्टिविटी थी जिसमें मेरे को कृष्णा कहना बताई गई। और मैं उस टाइम कैसे गोलू मोड़ता था, पहले आप इधर देखिए, सबसे मेरी सबसे छोटी वाली ये है, सबसे ज़्यादा छोटी वाली ये है वीडियो। एकदम सिद्धि के जैसे लग रहा हूँ मैं आप इस सिद्धि को, ये सिद्धि भी नहीं पहचान पाती मेरे को। और ये भी सिद्धि जैसे, सिद्धि पूरा सिद्धि जैसे नहीं हो गया। और ये मैं, और ये उस टाइम इंडिपेंडेंस डे हुआ था इसलिए मेरे को, मतलब ये मेरी बरेली की फन सिटी, बरेली में जो फन सिटी है वहाँ पे मैं गया था स्विमिंग पूल में। और ये उसी की है, टू फिंगर ये हो। और ये मेरे फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, ये इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था, मतलब बरेली में जिंगल बेल स्कूल है। और ये नानी की आंट है चंपावत में। यहाँ पे मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, बट कहते हैं कि ब्लैक रॉज। देखो ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, मैं भी ब्लू, ये पूरा कमरा भी ब्लू। अंदर बहुत ठंड लग रही थी और जब बाहर आया तो सही लग रहा है, थोड़ा बहुत सही लग रहा है। क्योंकि इस वाले खासकर ये जो ये ब्लू वाला कमरा है ना, इसमें बहुत ठंड आती है। और मुझे तो विंटर बहुत पसंद है क्योंकि इसमें स्नो होती है, स्नो पड़ता है। मैंने स्नोफॉल तो देखा नहीं है कभी रियल लाइफ में, चंपावत में तो मैंने स्नोफॉल नहीं देखा। और फॉल मैंने ओला फॉल तो देखा था। और गाइस आप लोगों की क्या सीजन पसंद है? अगर आपको विंटर सब पसंद है, समर पसंद है, रेन पसंद है, ऑटम पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए गाइस। और सब और गाइस मैं तो वेट करते रहता हूँ कि कमेंट्स तो आ ही नहीं है। और गाइस और कुछ लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है हमारे चैनल को, देखते हैं लाइक करते हैं और लाइक भी नहीं करते। लाइक तो हमारे बढ़ ही नहीं रहे, सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है। और गाइस एक और चीज़, आप कमेंट्स तो करते ही नहीं हो, वेट करता रहता हूँ मैं, मतलब आप लोगों का सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं आगे की वीडियो बना पाऊंगा अच्छी तरीके से। सिद्धि भी मेरे को इग्नोर कर रही है, देख लो सपोर्ट कर लीजिए गाइस, सपोर्ट। ओके सो और गाइस सब अब ये देखिए, पौधे तो हम कुछ दिनों के लिए बरेली क्या चले गए, पौधे एकदम सूख ही गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पौधे एकदम सूख चुके हैं। ये देखो जड़े, देखो पत्तियां सीधे नीचे गिरा। मैं इनको पानी डालूंगा तो वे अपने आप खिल जाएंगे। और गाइस मैं आपको एक बात बताना, तो जो लोग पेड़ कटिंग करते हैं, जैसे पेड़ कटिंग करते हैं सो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कोशिश करें कि ट्रीज कम तोड़े, कम काटे, और कोशिश करें कि ट्रीज ज़्यादा हो गए, क्योंकि ट्रीज से तो हमें ब्रीथ होंगे। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? सो प्लीज़, और जैसे पहले कोरोना वायरस था, हमने सीरियस लिया था, तब अचानक से अगर कोरोना वायरस बहुत खतरनाक हो गया और हमको सांस नहीं आ रही थी, तो हमें रियलाइज हुआ कि ट्रीज ही है वो सब कह, और ट्रीज की वजह से ही तो ऑक्सीजन टैंक्स आते हैं हमारे घर में, तभी तो ऑक्सीजन टैंक्स आ सकते हैं हमारे घर में ट्रीज की वजह से। सो प्लीज़ ज़्यादातर कोशिश करो प्लांट्स लगाने की, जिससे हमें सांस आए, और आगे भी और वायरस आ जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन टैंक की बहुत ज़रूरत होगी, प्लीज़। और ये मैं तो प्लांट्स कभी कभी लगाता रहता हूँ, और जो मेरी दादी है वो, उनको तो प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है। आप उनको, मैंने आप लोगों को बरेली में दिखाया था, इतने सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे हैं गाइस, इसलिए आप। गाइज आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को कर दे लाइक, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, बाय बाय।